बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएसटी ऑफ क्लास 7, पेज नंबर 59। टुडे आवर टॉपिक इज लैंड एंड लाइफ इन एशिया, ज़मीन और यहाँ के रहने वाले लोग, एशिया के रहने वाले लोग। इंट्रोडक्शन, तारुफ करवाया जा रहा है। इन दिस चैप्टर You will learn about Asia, the largest continent on the earth. Asia has vertically of physical features that include high mountain, high plateaus, fertile plains and vast desert. It has many coastal and inland far from sea areas. The geographic variation affect climate condition of area. Different climate condition help vertically of vegetation to grow where many species of animal live. यहाँ तारुफ में बता रहे हैं कि एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बड़े आज़म है। फिजिकल फीचर्स तबई हिसाब से इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहाड़, सतह मुर्तफा, मैदान, सहरा, साहिली इलाके शामिल हैं। जो तबई हिसाब से यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है, यहाँ का मौसम जो है वो एरिया के हिसाब से बदलता रहता है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है मौसम हम इंजॉय करते हैं। साउथ एशिया वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ पर हम चारों मौसम यानी सर्दी, गर्मी, खजा, बहार, बरसात, सारे मौसम जो है हम इंजॉय करते हैं या यहाँ पर होते हैं। इन मौसमों की वजह से यहाँ पर बहुत सारे पौधे वगैरह भी उगते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी पाए जाते हैं। लोकेशन, मकाम। यू हैव लर्न इन ग्रेड 6 दैट एशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। It has the largest land size 1,72,12,000 square kilometer and population from than 60% of world. The continent shared its border with Europe and the Ural Mountain to the west. मकाम किस जगह पे वाकई है? पाकिस्तान। ग्रेड 5 में कह रहे हैं कि हम 6 क्लास में एशिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बड़े आज़म है। इसका रकबा 1,72,12,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी दुनिया की 60% यानी 60% आबादी दुनिया की साउथ एशिया में रहती है। और इसके जो ये कॉन्टिनेंट, ये बड़े आज़म की सरहदें जो है वो यूरोप में उर्सल पहाड़ हैं वहाँ तक फैली हुई हैं। माउंटेन इन एशिया, पहाड़, एशिया में जो पहाड़ मौजूद हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न इन द प्रीवियस क्लास अबाउट हिमालयाज? रिकॉल वेयर दे आर लोकेटेड एंड नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। एशिया इज कवर्ड विद माउंटेन प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट। Some of the important mountains and their location are mentioned below. जैसे कि आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में भी कि हिमालय पहाड़, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ है, हिमालय है, कराकोरम है, K2 है, पहाड़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये हाईएस्ट पीक, पहाड़ की चोटी जो ऊपर होती है, टॉप पर जो पीक कहलाती है, पहाड़ की चोटी कहते हैं। और एशिया ज़्यादातर जो है पहाड़ों से ढका हुआ है। इसमें प्लेट्यूज, सतह मुर्तफा ही ना हमारी ज़मीन, प्लेन्स मैदान हैं, सहरा हैं। अब इनमें जो मशहूर, जो इम्पोर्टेंट पहाड़ है, जो फेमस हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब माउंटेन है एल्टल, ये ईस्ट सेंट्रल एशिया में मौजूद है। जो है गेट्स है, ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया में है। कोरलर वेस्टर्न चाइना और गोबी डेजर्ट यानी चाइना में मौजूद हैं। टेंस एंड द सेंट्रल एशिया, ये एशिया के
सेंट्रल में हैं। उरल नॉर्थ एज ऑफ द रशिया टू कजाकिस्तान, ये रशिया से कजाकिस्तान तक ये पहाड़ी सिलसिला है। वेस्टर्न एंड साउदर्न वेस्टर्न ईरान प्लेट्यू स्टिल स्टार्ट ऑफ होजेमेंस जोग्रस से ये माउंटेन है, ये वेस्टर्न माउंटेन में आता है, ये पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट कहलाता है वो भी साउथ एशिया में ही है। कराकरम की जो रेंज है, जो सिलसिला चल रहा है, ये पाकिस्तान से शुरू होता है और चाइना तक जाता है और आगे भी ये पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। प्लेट्यूज सतह मुर्तफा है, ना हमवार ज़मीन। प्लेट्यूज इज हायर एरिया देन द एडजस्ट एरिया, इट इज हाई एल्टीट्यूड एरिया अबव द सी लेवल्स विथ फेयरली फ्लैट टॉप सरफेस। इट्स शेप इज सिमिलर टू द शेप ऑफ टेबल। एशिया प्लेट्यूज आर, प्लेट्यूज सतह मुर्तफा ना हमवार ज़मीन, ये ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा होता है जो ना हमवार होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। अब प्लेट्यूज कहाँ कहाँ पे हैं, देखिए ईरानी प्लेट्यूज ईरान में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में है। ये प्लेट्यूज सतह मुर्तफा कहाँ लगता है, ईरान में भी लगता है, अफगानिस्तान में भी इसका हिस्सा है और पाकिस्तान में भी। डक्कन प्लेट्यूज साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, डक्कन प्लेट्यूज जो है ये इंडिया के साउथ पार्ट में है। तिब्बतन प्लेट्यूज साउथर्न मंगोलिया एंड वेस्टर्न चाइना, इट इज़ नाउ एज अ रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये प्लेट्यूज जो है सतह मुर्तफा ये मंगोलिया और चाइना में लगता है। पाकिस्तान में जो दो प्लेट्यूज लगते हैं वो है एक पोटोहार प्लेट्यूज जो सिंध में है और बलूचिस्तान और एक बलूचिस्तान में है। प्लेन्स मैदान, प्लेन इज द लो एंड फ्लैट लैंड इन पाकिस्तान, पंजाब एंड सिंध कवर द इंडस प्लेन एरिया। मैदान पाकिस्तान में जो मैदान फैले हुए हैं वो पंजाब और सिंध में हैं। प्लेन्स मैदानी इलाकों में ज़्यादातर काश्तकारी होती है, खेती बाड़ी की जाती है। ये इंडस प्लेन यानी दरिया सिंध के इर्द गिर्द की ज़मीन जो एरिया है, इलाका है, वहाँ पर इंडस प्लेन होते हैं यानी दरिया सिंध के इर्द गिर्द की मैदानी इलाके कहलाते हैं। कोस्ट लाइन ऑफ एशिया, कोस्ट लाइन साहिली इलाके, साहिली इलाके जो साहिल होता है यानी समंदर के साथ जो आप आगे का इलाका देखते हैं वो साहिल कहलाता है, एशिया के साहिली इलाके। एशिया कोस्ट लाइन इज अराउंड 62,800 स्क्वायर किलोमीटर लॉन्ग। बांग्लादेश इज वन ऑफ द एशियन कंट्रीज दैट आर लोकेटेड एट कोस्ट, इट इज लोलैंड एरिया विद रिवर्स दैट फॉलो इन टू बे ऑफ बंगाल। इट एक्सपीरियंसेस हैवी मॉनसून रेनफॉल्स दैट कॉज फ्लड एवरी ईयर। This flood destroy agriculture, farms and affect the human lives severely. Is compared to Bangladesh, Bhutan is country in Europe that has many islands. It is also surface from coastal flood, but not very every year. Sometimes high tide during spring bring flood over here. कोस्टल साहिल इलाके बांग्लादेश जो एशिया का कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 62,800 किलोमीटर लंबा है। बांग्लादेश जो है वो एशिया का कंट्री है जहाँ जो कोस्ट लाइन पे यानी साहिल की तरफ मौजूद है। बांग्लादेश को बेसिकली दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है दरियाए हैं इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर सैलाब आता है और वो सैलाब जो है अपने साथ जो है वहाँ की फसलें जानवर जो है वो बहा ले जाता है और लोगों को भी उससे काफ़ी नुकसान होता है जब सैलाब आता है।
टोपोग्राफी मैप, टोपोग्राफी मैप का मतलब है कि जो तबई खदोखाल है यानी जैसे आपके पहाड़, दरिया, समंदर जो है इनके बारे में पढ़ना और इसका जो है मैप बनाना, नक्शा बनाना। अब दरिया पहाड़ का जो है इनकी कोई शेप तो होती नहीं, शक्ल तो होती नहीं है, लेकिन इनकी जो एरियाज होते हैं कि ये किस एरिया तक गए हैं ज़मीन में, किस किस हिस्से में हैं, तो आप मैप में देखेंगे कि जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का जो है अलग शेप का मैप बना हुआ होता है, वो टोपोग्राफी मैप कहलाता है। अ मैप दैट शो द डिफरेंट एवोलेशंस एल्टीट्यूड इन एन एरिया थ्रू लाइन इज कॉल्ड द टोपोग्राफी मैप। द एवोलेशन इज शोन थ्रू लाइन्स दैट आर कॉल्ड अ कंट्रोल लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल सी कंट्रोल लाइन्स ऑन अ मैप और द कंट्रोल लाइन्स शो एवोलेशन ऑन द मैप। टोपोग्राफी मैप जो है, या आप इस पिक्चर में भी देखें, ये लाइनें जो बनी हुई हैं, अब ये क्या होता है कि आपके पहाड़ हैं, आपके दरिया है, जंगलात हैं, सहरा है, इसके हिसाब से जो ये मैप बनाया जाता है वो टोपोग्राफी मैप होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये दरिया का इलाका है, अब यहाँ पे जो है जंगलात शुरू हो रहे हैं, इस जगह सहरा है, रेगिस्तान है, यहाँ पर पहाड़ हैं, तो टोपोग्राफी मैप कहलाता है। द हाइस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कंप्राइज ऑफ एवोल्यूशन वेरिएशन। देयर इज नो हायर एरिया दैट हैज सेम एल्टीट्यूड एंड वेरी एवरी एरिया हैज द हाइस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट। ऊंचाई, हाइस्ट पॉइंट ऊंचाई की तरफ, लोवेस्ट पॉइंट नीचे की तरफ, तो अर्थ जो है वो ज़मीन वो एक जैसी नहीं है, कहीं बहुत ऊपर है, कहीं नीचे है। जैसे पहाड़, पहाड़ आप देखते हैं तो पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, दरिया ये समंदर ये नीचे की तरफ होते हैं, ज़मीन होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि सी लेवल जो है सतह समंदर से जो है वो ऊपर है या सतह समंदर से नीचे है। जैसे कहते हैं कराची जो है वो सतह समंदर से नीचे है, यानी समंदर की जो सरफेस है, सतह है, वो ऊपर है और कराची उससे नीचे है। तो ये हाई और लो पॉइंट्स कहलाते हैं। एरियल फोटोग्राफीज वो फोटोग्राफी या तस्वीरें जो हम ऊंचाई से, बहुत हाइट से नीचे चीज़ों की जो तस्वीर ली जाती है वो एरियल फोटोग्राफी कहलाती है, बहुत ऊंचाई से ली जाती है। ड्यूरिंग फ्लाइट व्हेन वी लुक आउटसाइड द प्लेन बिल्डिंग एंड लैंड पिक्चर्स लुक वेरी स्मॉल, इट इज कॉल्ड द एरियल व्यू। सिमिलर द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्राउंड टेकन फ्रॉम वेरी मच हायर इज कॉल्ड द एरियल फोटोग्राफी, इट ऑल्सो शो द बिल्डिंग एंड फीचर वेरी स्मॉल। जब हम बहुत ऊंचाई से तस्वीर लेते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत छोटी नज़र आती है और वो वाजे नहीं होती, लेकिन जब वही चीज़ हम करीब से लेंगे तो वो चीज़ वाजे होगी। अब इस पिक्चर में देखिए एरियल फोटोग्राफी ऑफ कराकरम रेंज, जो कराकरम का पहाड़ी सिलसिला है उसकी तस्वीर है। अब ये जब पिक्चर ली गई है ये बहुत हाइट से ली गई है, ऊपर से ली गई है। अब पहाड़ों के करीब जाके, पहाड़ों के ऊपर जाके तो तस्वीर नहीं ले सकते, तो ये ऊपर से तस्वीर ली गई है और ये जो है थोड़ी उसके साइड में खड़े होकर ये पिक्चर ली गई है। अब इसमें आप देखें और इस पिक्चर में देखें तो आपको वाजे तौर पर जो है ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पहाड़ कहाँ हैं, तो एरिया फोटोग्राफी कहलाती है। रेन फॉरेस्ट बारिश के जंगलात। अ रेन फॉरेस्ट इज अ थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज विच इज फाउंड इन आर ट्रॉपिकल एरियाज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ रेन। इन एशिया दे आर ग्रोन इन साउथ एंड साउदर्न ईस्ट एशिया। दे आर ग्रोन इन दिस एरिया विच इज नियर टू इक्वेटर वेयर द सन शाइन थ्रू आउट द एयर and it is experiences lots of rain. Abundance of a sunlight and rain help them to grow dense. Rainforest बारिश के जंगलात। बारिश के जंगलात से मतलब ये होता है कि जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती है और उससे जो पौधे और दरख्त उगते हैं एक इलाके में
और वो जंगलात बन जाते हैं काफी हद तक। जो दरख्त काफी सारे होते हैं वो बारिश के जंगलात कहलाते हैं। आपको पता है पौधों को ग्रो होने के लिए सूरज की रोशनी और पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो खुले इलाके होते हैं यहाँ पे सूरज की भी रोशनी जो है वो डायरेक्टली पौधों पे आती है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जंगलात हैं जो रेन फॉरेस्ट हैं। आप यहाँ देखिए रेन फॉरेस्ट है ये बारिश का जंगल कहलाता है। आप देखिए बारिश ही जो होती है ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, जंगलात जहाँ होंगे जहाँ पहाड़ ज़्यादा होंगे या जो समंदर की सतह से ऊपर जितने एरियाज होते हैं इन इलाकों में बारिशें होती हैं। बास एरिया पाकिस्तान के ऐसे हैं जो आप चले जाएं नारान कागान चले जाएं तो यहाँ पर आप देखिए रेगुलर बारिशें होती हैं। क्योंकि ये जो है ज़मीन की सतह से ऊपर है, ये पहाड़ी इलाके हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर बारिशें होती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल। रेन फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दे हेल्प सप्लाईज द वर्ल्ड क्लाइमेट एंड मेंटेन। रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? कि ये हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, मुहैया करते हैं। दरख्त जो है, पौधे जो है, वो ऑक्सीजन जो है वो आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं। तो इस तरह हवा में जो है हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है। तो पौधों जो है वो बड़ी तादाद में बड़ी मिकदार में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जितने दरख्त होंगे जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतने ही हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगी। द प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम फ्लड द रीजन देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर यूज फॉर मेडिसन एंड फूड। जंगलात में आपको कई किस्म के जो है जानवर भी मिलेंगे और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। वो जड़ी बूटियाँ हमारी दवाइयों में मेडिसिन बनाने के काम आती हैं। जंगलात से हमें जो है जो जड़ी बूटियाँ भी हासिल होती हैं जो हमारी दवाई के तौर पे काम आती हैं। रेन फॉरेस्ट आर कट डाउन एवरीवेयर। नाउ मलेशिया इज टेकिंग मेजर टू प्रीवियस रेन फॉरेस्ट इज अरेंज रियल टू डेवलप अवेयरनेस अमंग द पीपल टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट बिसाइड इट प्लांट्स आर स्पीसीज ऑफ एरिया ट्री रेयर ट्री। रेन फॉरेस्ट जो है अब देखिए ज़्यादातर जो है वो जंगलात को काटा जा रहा है। अब जितनी मिकदार में आप जो है दरख्त काटेंगे हवा में ऑक्सीजन की कमी होगी, हवा जो है वो आलूदा होगी। अब मलेशिया में कह रहे हैं कि आप चाहे हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि जो मौसम को कंट्रोल करते हैं, मौसम की जो शिद्दत होती है गर्मी सर्दी उसको कंट्रोल करने में दरख्त ये जंगलात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब मलेशिया में जो लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जा रहा है कि आप जो है ज़्यादा दरख्त लगाएं और दरख्तों को ना काटें, जंगलात जो है उनको ना काटें ताकि जो है यहाँ का मौसम जो है वो बेहतर रहे। अब आएंगे हम डेजर्ट पे। मेजर डेजर्ट ऑफ एशिया। एशिया के जो अहम सहरा या रेगिस्तान हैं। डेजर्ट इज एन एरिया विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ 10 इंच और लेस देन 10 इंच अर्थ। इट हैज़ नो वेजिटेशन और लिटल वेजिटेशन। डेजर्ट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। सहरा में बारिश वगैरह नहीं होती है, बहुत कम होती है, तकरीबन 10 इंच तक जो है वो बारिश होगी उससे भी कम बारिश होती है। तो यहाँ पर आपको कोई पौधे दरख्त वगैरह नहीं मिलेंगे। इसी तरह के समर में गर्मियों में सहरा जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और सर्दियों में यहाँ पर बहुत सर्दी होती है। तो यहाँ पे चंद सहरा के बारे में बताया जा रहा है। इसमें आ रहे गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ मंगोलिया एंड नॉर्थ ऑफ चाइना।
एज द एरिया इज वेरी फार फ्रॉम इंडियन ओशन इट कुड नॉट रिसीव रेन फ्रॉम इट इंडियन ओशन थस द डेजर्ट वॉज फॉर्म हियर वेन कैरी डेजर्ट सैंड एंड पुट द सैंड ऑन फर्टाइल लैंड दैट इज वे इट इज ग्रोइंग वेरी एवरी ईयर। गोबी डेजर्ट जो है वो तकरीबन 1,02,095 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसका एरिया है। ये मंगोलिया के नॉर्थ मंगोलिया में है और नॉर्थ साइड में चाइना में लगता है। इसका कुछ हिस्सा चाइना में है और कुछ हिस्सा मंगोलिया में है। ये इंडियन ओशन से काफ़ी दूर है, इस वजह से यहाँ पर बारिशें नहीं होती। वैसे सहरा जो है दूर होते हैं समंदर से, तो यहाँ पर बारिशें नहीं होती है और यहाँ पर कोई भी पौधे वगैरह ग्रो नहीं होते हैं। द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन द गोबी डेजर्ट। ये जानवर हैं ये जेब्रा, बटन कैमल्स एंड गोल्डन ईगल। ये जानवर गोबी डेजर्ट में यानी गोबी जो सहरा है वहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं। अरबियन डेजर्ट। अरबियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया मिडल ईस्ट। द डेजर्ट हैज़ लिटल और नो वेजिटेशन विद हार्डली एनी ह्यूमन प्रेजेंस। द अरेबियन डेजर्ट वॉज फॉर्म बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रोसेस थ्रू द डेजर्ट व्हेन द सनलाइट डायरेक्टली फॉल ऑन द लैंड ग्रेट हीट इज जनरेट बिसाइड इट इज द अरबियन पेनिनसुला इज लोकेटेड बिटवीन द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ। दिस स्मॉल वाटर बॉडीज डू नॉट प्रोड्यूस मच कूल विंड दैट इज वे द लैंड रिमाइंस हॉट इट इज ऑल्सो द रीजन फॉर स्केच वेजिटेशन इन द डेजर्ट। अरबियन डेजर्ट मिडल ईस्ट में जो सहरा मौजूद है। अरब का ज़्यादातर इलाके आप देखें अरब के इलाके वो मोस्टली सहरा है, रेगिस्तानी इलाके हैं। ये जो है पेनिनसुला और जो है आपके मिडल ईस्ट वगैरह पर्शियन गल्फ यहाँ तक ये फैले हुए हैं। यहाँ पर जो है पानी दूर दूर तक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हवाएं ठंडी हवाएं नहीं चलती हैं, ज़्यादातर यहाँ पर गर्मी होती है। आप देखिए सहरा में मोस्टली जो है सहरा गर्म होता है, दिन में सहरा में बहुत गर्मी होती है कि धूप जो है सूर्य डायरेक्टली पड़ रहा होता है रेत पे, तो रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात के वक्त ये सहरा ठंडे हो जाते हैं। द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन द अरेबियन डेजर्ट। ये जानवर जो हैं ये अरेबियन डेजर्ट में पाए जाते हैं। स्पेंच टेल लिजर्ड ये एक छिपकली है खास अलग सी जो वहाँ पर होती है। कैरसल केटन्स ये बिल्लियाँ पाई जाती है और कैमल स्पाइडर ये स्पाइडर है जिसको कैमल का नाम दिया गया है, ये इन सहरा में पाई जाती हैं। थर्ड डेजर्ट इज ऑल्सो नाउ एज द ग्रेट इंडिया डेजर्ट एंड इट इज़ लोकेटेड सिचुएटेड लाइज इन टू कंट्रीज i.e. इंडिया एंड पाकिस्तान। इट्स मोर देन टू थर्ड पार्ट इज लोकेटेड इन इंडिया फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन इंडिया। इट एक्सटेंड इट्स बॉर्डर इन टू पाकिस्तान इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड सिंध। इट हैज़ बीन फॉर्म बिकॉज मूनसून दैट ब्लो फ्रॉम इंडियन ओशियन टूवर्ड्स लैंड bypass this area or does not enter into area beside Ravel hills and located in parallel of wind directions that does not have pavement wind to left up the complete the process of conditions it result is no or little rain. The following animals are found in Thar Desert. Thar Desert का वन थर्ड हिस्सा टू थर्ड हिस्सा जो है वो इंडिया में लगता है, इंडिया में पंजाब में। थर डेजर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कहलाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा जो है वो थर डेजर्ट है। लेकिन इसका कुछ हिस्सा इंडिया में जाकर जो पंजाब है वहाँ राजस्थान
जो इलाका है वहाँ पर लगता है। इसके अलावा पाकिस्तान में सिंध में लगता है थर डेजर्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कहलाता है। इसके अलावा पाकिस्तान का थल डेजर्ट है जो आपका बलूचिस्तान में है, और चोलिस्तान जो डेजर्ट है वो आपका पंजाब में है। करकम डेजर्ट, करकम मीन्स ब्लैक सैंड एंड द डेजर्ट इज नेम इज एज डार्क कलर्ड सॉइल इज फाउंड लाइज बैथन द सैंडी डेजर्ट। इट इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ कैप्शन सी इन तुर्कमानिस्तान दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। इट इज अ हाईली प्लेन्स दैट इज रिच इन मिनरल्स। द डेजर्ट वॉज फॉर्म वैन एंड इंसेंट कोर्स रूट्स टू अमडरी ड्राइड अप द सैंड वॉज डिस्पुट लेफ्ट बिसाइड सेडिमेंट्स ऑफ नियर बाय रिवर मरगाब एंड तंजीब हैज बीन डिस्पुट देयर। करकम डेजर्ट, इसको करकम डेजर्ट इसलिए कहते हैं कि करकम का मायने होते हैं ब्लैक सैंड, काली रेत। ये जो है सहरा जो है यहाँ की रेत जो है वो ब्लैक कलर की है। आप देखिए ज़्यादातर जो सहरा में जो रेत होती है वो येलोइश होती है, येलो टाइप की होती है, लेकिन ये जो है इसको करकम डेजर्ट इसलिए कहा गया है कि यहाँ की जो रेत है वो काली है। और ये मरगब और तंजेब जो है रिवर है उसके आसपास के इलाके में ये सहरा पाया जाता है। ये है तुर्कमानिस्तान में, करकम डेजर्ट जो है वो तुर्कमानिस्तान जो मुल्क है वहाँ पर वाक़ है। यहाँ जो है बहुत से मिनरल्स मादनियात जो ज़मीन में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी है, जैसे आपके गैस है, पेट्रोल है, मिनरल ऑयल है, आयरन है, जिप्सम है, क्रोमाइट है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये चीज़ें इन एरिया में होती है। लेकिन डेजर्ट में आप देखिए बेसिकली यहाँ पर मिनरल ऑयल जो है वो होता है। अरब में आप देखें अरब कंट्रीज़ की जो है एक्सपोर्ट क्या है, मिनरल ऑयल, पेट्रोल वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन ज़मीन में सहरा की ज़मीन में ज़्यादातर मिनरल ऑयल पेट्रोल मौजूद होता है। द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन द थर्ड डेजर्ट। अब थर्ड डेजर्ट में जो जानवर पाए जाते हैं, कर्कल, शिप्स, स्पाइडर, गर्टेड गल्स, ये जो जानवर हैं इनके नाम ही अलग अलग, इनकी जो है किस्में होती हैं, इनकी नस्लें अलग होती है, इसलिए इनके नाम दिए जाते हैं। ये जो यहाँ पर थर डेजर्ट में पाए जाते हैं, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो सहरा है डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है जो अफ्रीका में है, और वो तकरीबन 75% एरिया जो है वो कवर करता है अफ्रीका का। कौन सा है? सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। लास्ट यहीं पे जो है आपका चैप्टर जो है फिनिश हो रहा है। आपको इसका वर्क जो है पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, तो आपने वो वर्क जो है नोट डाउन करना है अपने जर्नल में, और वो वर्क आप सबमिट करवाएंगे तो आपका वर्क चेक होगा। और क्लास आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साथ साथ जो है अपनी लर्निंग रखिएगा ताकि आपको जो है आगे प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।